शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाषकृतौ वन्दे भगवतौ पुनः पुनः ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कल बताया था, आप बोलते हो आत्मा निर्गुण निराकार अविषय है, उसमें अध्यास कैसा हो सकता है। फिर उन्होंने आकाश का दृष्टांत दिया, उसी प्रकार ये कोई नियम नहीं है, सामने वस्तु हो उसी में आरोप हो। जो नायमस्ति नियमः पुरोवसिते विषये विषयांतरम अध्यस्तव्यमिति अप्रत्यक्षेपि आकाशे बालाः तलमलिनता आदि अध्यस्यन्ति। जो नहीं दिखने पर भी आकाश में नीलिमा इत्यादि कड़ाहकार इत्यादि अज्ञानी लोग अध्यास करते हैं। एवं अविरुद्ध प्रत्येक आत्मने अपि अनात्म अध्यास, इस प्रकार आत्मा में अनात्मा का मन आदि का सबका चीज का अध्यास होता है। तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिता अविद्या इति मन्यन्ते। इस अध्यास को ही विद्वान लोग अविद्या कहते हैं। तद्विवेकेनच स्तु स्वरूपावधारणम विद्याम आहो। तद्विवेकेनच ये पा दूसरा दूसरा पेज का पहला पंक्ति तद्विवेकेन, मतलब अध्यास का विवेक के द्वारा। अध्यास क्यों, एक का दूसरे पर अध्यास करते हैं, जो दोनों को अलग अलग जो विवेक जो कर लेता है। तद्विवेकेन चस्तु स्वरूप अवधारण विद्या माहो, स्वरूप मतलब या आत्मा का स्वरूप। तद्विवेकेन अध्यास विवेक से, वस्तु स्वरूप अवधारण, हाँ वस्तु स्वरूप अवधारण, जो वस्तु जैसा है उसका उसका विद्या कहते। अब यहाँ पहले उन्होंने क्या आत्मा में अध्यास कैसा होगा वो बता दिया, आत्मा में अध्यास हो सकता है, इसलिए आत्मा का स्वरूप का उदाहरण वो विद्या है, है ना। तत्र एवं सति यत्र यद अध्यास अवधारण शब्द से क्या करेंगे, निश्चय करना, निश्चय ये आत्मा का स्वरूप है। हाँ बस, तत्र एवं सति यत्र यद अध्यास तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अनुमात्रेण अपि च न संबध्यते। जहाँ जिसको अध्यास करते हो ना, अध्यास अध्यसित वस्तु के द्वारा अधिष्ठान जो है ना थोड़ा भी बदलता नहीं, अनुमात्रमपि संबंध भी नहीं रखता है, ठीक है, अनुमात्रमपि न संबध्यते। तमेतम अविद्याख्यम आत्मा अनात्मनोर इतरेतर अध्यासम पुरस्कृत्या सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिका से प्रवृत्ता सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि। ये जो अविद्या के कारण आत्मा अनात्मा का अध्यास लेकर ही, मतलब जहाँ जो कुछ शास्त्र आप लो वो अध्यास के बाद ही होता है, जिसके अंदर अध्यास नहीं उसका शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, वो शास्त्र से परे। समझ में आ रहा है जी। तमेतम अविद्याख्यम आत्मा अनात्मनोर इतरेतर अध्यासम पुरस्कृत्य, आत्मा और अनात्मा का अध्यास को लेकर सारे प्रमाण प्रमेय व्यवहार होता है और लौकिक व्यवहार वैदिक व्यवहार भी प्रवृत्त होता है, सभी शास्त्र भी और विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणि च, जितने शास्त्र हैं मोक्ष परक शास्त्र भी अध्यास को लेके चलते हैं। मतलब जब गुरु से शिष्य पूछता है वो अध्यास का अंदर ही है शास्त्र, और उसको उस अध्यास से उठा के विद्या कर ले जाता है। जब उसका ज्ञान हो गया तब शास्त्र से उसका कोई मतलब नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं जानते उसको शास्त्र से मतलब नहीं, जो पूरा जानता है आत्मा को उसको भी शास्त्र से, ये बीच वाला अंक ही शास्त्र है ना। विधि
और प्रतिषेध वैदिक मोक्ष सब वैदिक प्रवृत्ति सब कथम पुनराविद्यावद विषयानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्रांच। अरे भाई ये प्रत्यक्ष है प्रमाण है ये सब अविद्या का विषय कैसा बता दिया आप शास्त्र को। उच्यते तब ये प्रश्न है पूर्व पक्षी का कथम पुनराविद्यावद विषयानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्रानि च। शास्त्र को भी कहते हो छह प्रमाण है इन सबको आप अविद्या विषय कहते हो कैसा कहते हो। तब कहते हैं देहेन्द्रियादिषु अहम मम अभिमान रहितस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तौ। भाई जिसके अंदर अहम का अभिमान नहीं है वो प्रमाता नहीं बन सकता है। जिसके अंदर अहम है वो मैं देख रहा हूं बोल के प्रमातृत्व अध्यारोप करके प्रत्यक्ष प्रमाण में वो प्रवृत्त होगा जिसका है ही नहीं। किसके देहेन्द्रियादिषु अहम मम अभिमान रहितस्य मैं देह नहीं हूं मैं इंद्रिया नहीं हूं मैं शुद्धा हाँ उसका प्रमातृत्व प्रमाता बन ही नहीं सकता है। तब प्रमाण में प्रवृत्ति कैसा होगा नहीं इंद्रियाण अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभवती। भाई इंद्रियों का जब तक ग्रहण नहीं करोगे तब तक प्रत्यक्ष व्यवहार ही नहीं हो सकता है। न च अधिष्ठान मंत्रेण इंद्रियाण व्यवहार संभवती बिना अधिष्ठान के इंद्रियों के व्यवहार भी नहीं हो सकता है। अब देखो जहां रस्सी नहीं है वहां सांप का अध्यारोप नहीं हो सकता है। इसीलिए वो कहते हैं अधिष्ठान के साथ इंद्रियों का संयोग होना ही चाहिए। किंतु अब इधर देखिए अब आपने जो इंद्रिय और विषय का संयोग का आप प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हो किंतु आपका संयोग हो रहा है रस्सी से। संयोग इंद्रियों का संयोग किससे हो रहा है वहां तो सर्प तक सर्प के साथ इंद्रिय का संयोग तो है ही नहीं, नहीं। फिर सर्प कहां से आया ये कहते हैं वेदांती लोग तुम्हारे मन के अंदर जो अंतकरण में भ्रम है स्मृति वह स्मृति वहां दिखाई दे रहा है बस किंतु वहां है ही नहीं सर्प। तीनों काल में तो रज्जु में तो सर्प तो है ही नहीं फिर दिखाई पड़ रहा है कहां है वो तुम्हारा अंतकरण में है। अज्ञान के कारण अंतकरण में जो भ्रम पैदा हुआ वो केवल बाहर दिख रहा है। ऐसा ही कहते हैं सारा दुनिया कहां तुम्हारा मन में बाहर कुछ है नहीं। अधिष्ठान को ज्ञान न होने से भाषित हो रहा है स्मृति में अधिष्ठान के साथ संयोग हो रहा है इंद्रिय का किंतु इंद्रिय संयोग को प्रत्यक्ष कहते हो। सर्प को वहाँ है ही नहीं सर्प के साथ संयोग हो नहीं सकता है फिर सर्प कहाँ से आ गया। विषय के साथ इंद्रिय का संयोग नहीं हो रहा है हाँ। किसी विषयेतर से हो रहा है हाँ। और उस वो जो विषय है विषयेतर है हाँ। वो विषयेतर कहाँ है वो आपका मन में है। मन में ही अज्ञान है मन में ही भ्रम है। इंद्रिय का विषय तो हो रहा है सर्प रस्सी और विषय से इतर है सर्प और उसकी प्रतीति वहाँ हो रही है हाँ। उससे इंद्रिय संयोग नहीं हो रहा संयोग नहीं हो रहा है तो कैसे हो रहा है तो अंदर जो भ्रम है उसका हाँ। जो अविद्या के कारण हो रहा है हाँ। अंदर का जो भ्रम के कारण वहाँ दिख रहा है बस अविद्या के कारण दिख रहा है अविद्या के कारण दिखते है। इसीलिए ऐसा जगह जो है ना थोड़ा हम करेंगे नहीं इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहार संभव नच अधिष्ठान मंत्रेण इंद्रियाणां व्यवहार संभवति। जब तक कोई सामने नहीं पड़ा हो तो व्यापार नहीं होगा। नच अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन कश्चित् व्याप्रीत्ये। अब बिना आत्मा का आत्मा में मन इंद्रिया शरीर को अध्यास करके तो कुछ काम ही नहीं कर सकते हो। देखो नच अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन कश्चित् व्याप्रीते कुछ क्रिया नहीं हो सकता है व्यापार नहीं हो सकता। नच अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन आप आत्मा अलग है इंद्रिया मन बुद्धि शरीर अलग है किंतु आत्मा में इन सबको अध्यास करके मैं अहम आप करने के बाद ही उस देह के द्वारा ही कुछ व्यापार होगा
ये अध्यास जब तक शरीर में अध्यास नहीं हुआ नहीं होगा, कोई व्यापार नहीं होगा, नहीं होगा बस। न चे ये तस्मिन सर्वस्मिन अपि अस न चे ठीक है नसति ये तस्मिन सर्वस्मिन असति असति है ना असति यहाँ लाया असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते। ये सब पूरा अध्यास जब तक नहीं होगा तब तक आत्मा में प्रमातृत्व आप नहीं ला सकते हो। मतलब आत्मा में देहादि का अध्यास करने के बाद ही अध्यस्त आत्मा में प्रमातृत्व का युक्ति संगत है, अनध्यस्त आत्मा में प्रमातृत्व नहीं हो सकता है। ये तस्मिन सर्वाणी ये अध्यास आदि अध्यस्त आत्म भाव है न देह है ना इन सब ये तस्मिन आत्मनि ये तस्मिन अध्यस्त आत्मनि असति 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 पदार्थ है आत्मनि नहीं हाँ असति असति अध्यास है शरीर असति देह हाँ ना असति अध्यस्त देह अध्यस्त देह हाँ असंगत्या असंगत असंगस्य आत्मनः आत्मा तो असंग है उसमें जब तक अध्यास नहीं होगा प्रमात्व तो नहीं हो सकता है। मतलब अध्यस्त आत्मा में ही प्रमात्व तो होता है इसका अर्थ ये हुआ इन सभी असत पदार्थों में असंग आत्मा का प्रमात्व तो उत्पन्न नहीं होगा नहीं होगा क्यों वो अध्यस्त है तभी प्रमात्व तो आएगा ना आत्मा तो असंग है उसमें प्रमातृत्व नहीं है प्रमातृत्व है ही नहीं फिर प्रमातृत्व तो कैसे आया अध्यस्त में अध्यस्त देह में इतना तो है प्रमातृत्व किसमें आएगा देह में आएगा अध्यस्त अध्यस्त आत्मा में अहम अध्यस्त आत्मा सगुण आत्मा कहते हैं इसलिए वो कहते हैं आत्मा में प्रमातृत्व नहीं आएगा आत्मा में प्रमातृत्व तो कुछ आत्मा में कुछ है ही नहीं शुद्ध आत्मा बोले शुद्धात्मा कुछ नहीं कुछ ही नहीं सगुण आत्मा में आ जाएगा सगुण क्या अध्यस्त कह दो सगुण कह दो नच प्रमातृत्व मंत्रेण प्रमाण प्रवृत्ति अस्ति प्रमाता नहीं तो प्रमाण नहीं होगा प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होगा तस्मात अविद्यावद विषयानी और प्रत्यक्षादीनी उन्होंने पूछा ना भाई तू प्रमाण को आद्या आम आद्या अविद्या के द्वारा ये प्रत्यक्षादि प्रमाण कैसा खा दिया उसको इन सब पंक्तियों के द्वारा मतलब पहले देह का अध्यास होगा आत्मा असंग है असंग आत्मा में कार्य नहीं हो सकता है अध्यस्त आत्मा में प्रमातृत्व आता है प्रमातृत्व आने के बाद प्रमाण का वो प्रवृत्त होता है इसलिए अज्ञान ही प्रमातृत्व का कारण है ये सिद्ध किया उन्होंने ठीक है तस्मात अविद्यावत विषयानी प्रत्यक्षादीनी ये जितने भी हैं अविद्या का विषय प्रमाणानि शास्त्राणि च सारे शास्त्र सारे प्रमाण अविद्यावद विषयानि मतलब इसलिए पहले देखो तावान सर्वे ब्राह्मण एक कौन सा 246 में दो अध्याय तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्रदोदके सभी जगह बाढ़ आ गया पानी आ गया है ना तब आप तालाब से कुआं से क्या मतलब है भाई सभी पानी ऐसा ही तावान सर्वेश वेदेश ब्राह्मण से विजाना था जो जान लिया उसको वेदों से उतना ही मतलब है मतलब कुछ मतलब नहीं है। देखो इसका अर्थ कहाँ लिखा है सबों से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना सा ही प्रयोजन रहता है। मतलब ये इसलिए मैं बताया था जो जान लिया
उसको शास्त्र से कोई मतलब नहीं, जो नहीं जाना उसको भी शास्त्र से मतलब, जो बीच वाला है ना उन्हीं का शास्त्र से ये प्रमाण इत्यादि इसमें, मतलब वो सामान्य रूप से आत्मा है जानता है, विशेष रूप से उसका अनुभव नहीं किया, विशेष रूप से वो आत्मा ही ब्रह्म है, कैसा मैं अनुभव करूं उसके लिए वो श्रवण मनन इच्छासन, ठीक है जी। अच्छा क्या है श्लोक क्या है, यावान थोदपाने यावान थोदपान सर्व संभृत आवान सर्वेश वेदेश ब्राह्मण से भी जाना था, 2:47 ठीक, इसमें कैसे लिखा था, कुछ नहीं लिखा, उसमें कैसे कुछ लिखेंगे, अच्छा पश्वादिभिश्च अविशेषात कहता है तस्माद् अविद्यावद् विषयानि एव प्रत्यक्षादायनी प्रमाणिनी शास्त्राणि च, ये प्रत्यक्षादि प्रमाण जो है ना पश्वादिभिश्च विशेषात, ये प्रमाण जो है जैसा आदमी है वैसा पशु में भी कहता है, कैसे यथा ही पश्वादे शब्दादि स्रोत्रादीनाम संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तते, प्रेम से पशु को बुलाओ साथ में आ जाएगा, घास पिलाओ खाने के लिए आ जाएगा, लाठी ले लो भाग जाएगा, हाँ ये तो वहां भी देखा था, यथा दंडोद्यत करम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य माम हंतुम अयम इच्छति, ये डंडा लेके कोई आता हो तो ये मेरे को मारना चाहता है, इसी पाला ही तुम्हारा भंते दौड़ जाते हैं, हरित तृण पूर्ण पानी उपलभ्य, मुट्ठी का हरा घास ले लो तम प्रत्यभिमुखं भवन्ति एवं पुरुषापि व्युत्पन्न चित्ताः क्रूर दृष्टिन आक्रोशतः खड्गोद्यतकरान बलवतः उपलभ्य ततो निवर्तन्ते, यहाँ व्युत्पन्न पुरुष मतलब शास्त्र ज्ञान है उसका, व्युत्पन्न वही होता है ना, वो भी कोई तलवार लेकर उसके पीछे आने से वो भी भाग जाएगा, मैं ज्ञानी हूं मैं पंडित हूं बोल के वहां खड़ी थोड़ी ही रहेगा, वो मारेगा, इसीलिए आक्रोश कटबोधित करान बलवत उपलब्ध तो निवर्तते तद विपरीतान प्रत्यभिमुख भवन्ति, कोई प्रेम से बुलाता तो कोई भी चले जाते, जैसे बच्चे चले जाते वैसे चले जाता है, इसलिए अतः समान पश्वादि पुरुषाणाम प्रमाण प्रमेय व्यवहार, देखो पहले उन्होंने कहा ये प्रमाण व्यवहार अध्यस्त से ही होता है, अध्यास से ही होता है, और ये प्रमाण प्रमेय व्यवहार जैसे आदमी में है वैसा ही पशु में भी समान है, ये बता दिया प्रमाण पश्वादीना च प्रसिद्ध अविवेक पुरस्सर प्रत्यक्षादि व्यवहार, पश्वादि में प्रत्यक्षादि व्यवहार देखा जाता है अज्ञान के कारण अविवेक के कारण, तत् सामान्य दर्शनाद व्युत्पत्तिमताम पुरुषाणाम प्रत्यक्षाद व्यवहार तत्काल समान इति निश्चयते, इसलिए जो पंडित को भी जो है ना ये व्यवहार में वह अज्ञान ही माना जाएगा, प्रत्यक्षाद व्यवहार तत्काल समान, मतलब शास्त्रीय तो व्यवहार यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी न अविदित्व आत्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते, अब यह देखो ये मीमांसाओं का है, वो क्या कहता है स्वर्ग ही मोक्ष है पूर्व मीमांस, उसको पूछा गया भाई तुम स्वर्ग को मोक्ष कहते हो फिर इतने ये सब ज्ञान कांड का क्या होगा, वो कहता है देखो हम कर्म करते हैं यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते ही यज्ञ भी नष्ट हो जाता है आदमी भी नष्ट हो जाता है, किंतु उसका ये भान होता है हमारा शरीर से अतिरिक्त कुछ है जो जाके स्वर्ग में मोक्ष को प्राप्त करेगा, आपका जो जितना भी वेद है ना वो ज्ञान कांड है ना
हमारा कर्म का स्तुति कर रहा है, कैसे शरीर से भिन्न कुछ आए, बस इतना है। इतना में तुम्हारा ज्ञान कांड का तात्पर्य कहता है। अब क्या कहा जाए उसको। इसलिए वो कहते हैं शास्त्रीय तो व्यवहार है, यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी, शास्त्र में जो बुद्धिपूर्वक ना अविदित्व आत्मना, मतलब आत्मा है जानता है, क्यों यज्ञ भी यहाँ नष्ट हो रहा है, वो खुद ही यहाँ मर रहा है, किंतु यज्ञ का फल वो सोचता है मैं स्वर्ग में जाके भोगूंगा, फिर वो कहा कौन जाएगा भाई शरीर यहाँ मरने से, इसलिए शरीर से अतिरिक्त कुछ है जिसको आप आत्मा कहते हो, वेदांति को कहता है वो आत्मा, वहां जाके वो स्वर्ग ही मोक्ष माना मान बैठा है, स्वर्ग ही मोक्ष मान बैठा है और ईश्वर को नहीं मानता है। मुख्य जो है उसका ड्रॉबैक जो है ईश्वर को मान, कर्म जड़ है, कर्म फल जड़ है। अरे कर्म फल जड़ जो है किस आदमी के साथ कैसा जुड़ेगा, इसको अपूर्व तो कर्म है ना, कर्म जब जड़ हो गया, कर्म से उत्पन्न होगा अपूर्व तो जड़ होगा थी चैतन्य होगा जड़ होगा, फिर वो कैसा फल देगा। हाँ जड़ का चेतन के साथ कैसे संबंध, हाँ फल है वो जड़ है, फल भी जड़ है। इसीलिए इन सबको जानकारी रहने वाले एक आदमी होना चाहिए, उसको हम ईश्वर कहते हैं, उसको वो नहीं मानता है, वो भी कल्पना है, ये बोलता है वो अगर आप कल्पना किए हो ईश्वर को भी ऐसे अपूर्व कल्पना किए वो तो ठीक है, दोनों को कल्पना से हिसाब करके हटा देते नहीं वो। और दूसरी बात ये है वो जैसा सांख्यों को कहा था ना, बिना चेतन का कुछ काम ही नहीं हो सकता है, वो चेतन को तो मानते हैं, चेतन को तो मानता है, चेतन ईश्वर को नहीं मानता है। और ज्ञान कांड को कहता है हमारा कर्म कांड का स्तुति है, ईश्वर सिद्धि समझ वेद से होता है ना, ईश्वर सिद्धि तो वेद में होता है, तुम खुद ही चेतन, इसलिए वेद शंकराचार्य पकड़े, वेद में ईश्वर सिद्धि हो रहा है, तुम क्यों, हाँ वेद से आगे तुम नहीं बढ़ सकते। अच्छा तत् सामान्य दर्शनादि उत्पत्ति मता में पुरुषाणाम प्रत्यक्षादि समान शास्त्रीय हेतु विहार यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी न विद्वद आत्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते, आत्मा को बिना जान के परलोक संबंधी नहीं हो सकता है ना। तथापि न वेदांत वेद्यम आसनायाज अतीतम अपेत ब्रह्म क्षेत्रादि भेदम असंसारी आत्मतत्वम अधिकारे अपेक्षते, कर्म का करने के लिए अधिकार के लिए वेदांत में प्रतिपादित आत्मा उसका कोई जरूरत नहीं है। देखो वेदांत वेद्यम क्या है, असनायाद अतीत्यम, आत्मा क्या है, भूख प्यास से परे है, ब्राह्मण क्षेत्र इत्यादि से परे है, असंसारी है, ये जो आत्मा असंसारी जात्यादि से ऊपर और भूख प्यास से अतिरिक्त जो आत्मा है वह तत्त्वम अधिकारे अपेक्षते, कर्म करने के अधिकार के लिए ये आत्मज्ञान का जरूरत नहीं है। अनुपयोगात अधिकार विरोधाच्च, ये जो जान लिया परतत्व को वो क्या कर्म कर रहा है, जानने की विविध दिशा, हम क्या कहते हैं विविध दिशा संन्यास, जानने के लिए जानने के पहले ही कर्म छोड़ बैठता है, वो चोटी काट देता है और जनु फेंक देता है। और ये इनका कहना क्या है, ससमुच्चय करो, पूर्वादि का कहना है ससमुच्चय, ससमुच्चय शंकराचार्य कभी भी मानते नहीं, क्रम समुचे मानते हैं। तो पहले कर्म करो, बुद्धि शुद्ध करो, फिर उपासना करो, विक्षेप को मल विक्षेप को दूर करो, उसके बाद निधिध्यासन करके आवरण का हटा के तब आओ, वो तो कर्म मुक्ति हम मानते हैं, किंतु संन्यास लेने के बाद तुम कर्म करो ये हम मानने के, क्यों उसका कोई वो अधिकारी नहीं, उसका उपयोग भी नहीं है। अनुपयोगात अधिकारी विरोधाच्च, प्राच्य इसलिए कहते, देखो प्राच्य तथा भूत आत्मविज्ञान, आत्म का ज्ञान नहीं हुआ उसका पहले तुम क्या यदि चाहते हो, प्रवर्तमान शास्त्रम अविद्या विषयत्व ना अतिवर्तते, ज्ञान होने के पहले तू जितना भी शास्त्र व्यवहार करते हो वह अज्ञान का विषय, वो हम भी नहीं अभी हम भी मानते हैं, अविद्यावद विषयत्व ना अतिवर्तते,
कब? प्राक। किसका प्राक? आत्मज्ञान के पहले। इसलिए तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादि शास्त्राणी आत्मने वर्णाश्रम वयो, वर्णाश्रम वयो अवस्थादि, वयो मतलब उमर, अवस्था विशेष, अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तते। यजेत ये क्या है? ब्राह्मणो यजेत वो आत्मनि, आत्मा में क्या? एक तो वर्णाश्रम को, वर्ण और आश्रम वो अध्यारोप किया, उम्र अध्यारोप किया। अब बूढ़ा कहाँ परिक्रमा कर सकता है, कहाँ नदी में जाके चल चल फिरने वाला करता है, इसलिए वयो दिया। वहां आता है महेंद्र कृष्ण केश जात पुत्र अग्निमादधीत, अग्नि आदान करने से पहले पिताजी से अग्निहोत्र लेने के लिए उसको एक बेटा भी होना चाहिए और बाल काला रहना चाहिए, तब पूरा अग्निहोत्र का वह पिताजी से वो लेने के अधिकार है। ये क्यों कह रहा कि वयस उम्र, कब अग्नि को? अब वो बुढ़ा हो गया, अब बोलते हैं मैं अग्नि को आधार करने से शास्त्र नहीं करता, वो चल ही नहीं पाएगा। इसलिए वो क्या कहता है, वर्ण भी चाहिए, आश्रम भी चाहिए, युवावस्था भी चाहिए, वयोवस्था आदि विशेष अध्यास मासिति प्रवर्तन्ते, ये सबका अध्यास करके तब ब्राह्मण यजेत, वो यज्ञ में प्रवृत्त होगा। अध्यासो नाम तस्मिन् तद्बुद्धि इत्यवोचामा। फिर कहते हैं अध्यास किस चीज का नाम है, जो जैसा नहीं उसमें वैसा आरोप करना। फिर बता दिया अब वो चाहूं तद यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकला सकलवा इति। बाह्य धर्मानाम आत्मन अध्यस्यति। जैसा बेटा मर गया तो कहता है मैं मर गया, पति मर गए तो बोलते हैं मैं मर गया, उसका कोई हार्ट अटैक हो गया, कुछ ही एक्सीडेंट हो गया, विकलेषु सकलेषु, आई में विकला, आई में सकला, ऐसा बाहर का वस्तुओं का अपना आत्मा में आरोप करता है। देह धर्म, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरे हूं, और मैं बैठा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं ब्लांग रहा हूं, इत्यादि सब देह धर्म है। इंद्रिय धर्मों को मैं मुंह का हूं, काना हूं, क्लीब हूं, मुख मतलब गूंगा, काना मतलब सुन नहीं सकता है, क्लीब एक आंख से अंधा, अक्षा काना, क्लीब लंगड़ा, बदिरा सुन नहीं सकता है, अंधो हम पूरा दोनों का एक आंख जा तक काना, दोनों आंख जा से अंधा इति, ये सब इंद्रियों। अंतकरण धर्मान, अंतकरण धर्मों का भी काम है, संकल्प है, काम है, संकल्प, विचिकित्सा ने विचिकित्सा विचिकित्सा संशय, विचिकित्सा अध्यवसाय निश्चय, ये सब अंतकरण धर्म को भी अपना ऊपर आरोपित करता है। एवं अहम प्रत्ययिनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्या। देखो ये कहता है अहम को, कहता है अहम ज्ञान, ज्ञान कहाँ होता है? मन में होता है, अंतकरण वृत्ति, मन क्या है? जड़, अंतकरण। इसीलिए अहम प्रत्ययिनम, अहम प्रत्यय का मन में, अशेष स्वप्रचार साक्षिणी, साक्षी कौन है? वह चैतन्य प्रत्येगात्मनि, इसलिए साक्षी, ये जो ये समझ लाना है मन जान, वो जब प्रत्येक आत्मा जब कह दिया, आत्मा ही आत्मा है, उसमें कुछ है नहीं, उसको आप कहते हैं निराकार निर्गुण, उसमें भी ये साक्षी तो अध्यस्त है, आत्मा में साक्षी पूरा सूक्ष्म है, साक्षी पूरा हम से सूक्ष्म होने पर भी वो निराकार निर्गुण होने के कारण वो किसका साक्षी बन रहा है?
अंतकरण का, वृत्ति का, अंतकरण वृत्तियों का, इसीलिए वो दिखाले चैतन्य नहीं, साक्षी मतलब साक्षित्व अध्यस्त आत्मा, जैसा अहम अध्यस्त आत्मा है वैसा साक्षित्व अध्यस्त आत्मा। वो फिर साक्षी बन के शुद्ध चैतन्य को अनुभव कर रहा है। हाँ साक्षित्व है, अभी तो मन को देख रहा है, बाद में साक्षित्व लीन हो जाना चाहिए। साक्षित्व जो जो को मनोनाश जो कहते हैं ना, वो पूरा मन नाश होने से तब किसी का भी साक्षी नहीं बने। से तात्पर्य क्या है अभी यहाँ क्या कर रहा है, एवं अहम प्रत्ययनम अशेष प्रचार साक्षिणी, अहम प्रत्यय को साक्षी में, प्रत्यय जो है हम प्रत्यय हुआ, हम प्रत्यय अहम अहम ज्ञान, अहम का जो ज्ञान है उस ज्ञान को जो करने वाला, हाँ करने वाला वह होगा अहम मन, मन मन वह होगा अहम प्रत्यय, अहम प्रत्यय उसको साक्षी हुआ, उसको जानने वाला प्रचार साक्षी प्रत्यगात्म अध्यस्त अहम हुआ प्रत्यय। हाँ अहम जो प्रत्यय हो रहा है उस अहम प्रत्यय का प्रत्यय ही कौन है, साक्षी आत्मा हुआ ना, नहीं प्रत्यय ज्ञान रहने वाला ठीक है साक्षी। हाँ, किंतु वो साक्षी को वो क्या कहता है, प्रत्येक आत्म साक्षी है, वो साक्षी कौन है, वो साक्षी की को प्रत्येक आत्म प्रत्यय आत्मा में अध्यस्त है, अध्यस्त है जो प्रत्यय आत्मा में अध्यस्त है वह है अहम प्रत्यय, अहम प्रत्यय और अहम प्रत्यय का साक्षी है, अहम प्रत्यय का प्रत्यय का साक्षी, अहम जाना साक्षित्व तो वो अहम प्रत्यय को जान रहा, जो साक्षी है वो विशुद्ध आत्मा में प्रत्येक आत्मा में अध्यस्त है, अध्यस्त है केवल साक्षित्व उसमें है। अब साक्षित्व ही मन का संयोग से ही आएगा, क्योंकि क्यों अब स्वप्न है ना, स्वप्न में है ये केवल मन ही प्रचार है, उसको फिर साक्षी कौन है, चैतन्य, चैतन्य का साक्षी है। हाँ प्रत्यय, वो अहम प्रत्यय इसमें स्वप्न है, विशुद्ध आत्मा साक्षी होके, किंतु विशुद्ध आत्मा में साक्षित्व भी अध्यस्त है, इतना समझ लो, क्योंकि साक्षित्व अध्यस्त है। हाँ क्योंकि कई लोग जो है ना, हाँ कई लोग सोचते हैं साक्षी केवल आत्मा है, साक्षी में साक्षित्व जो है वो अध्यस्त है, साक्षित्व तो है एक साक्षी हुआ प्रत्येक आत्मा, उसमें साक्षित्व साक्षित्व है वो अध्यस्त है, तभी तो उसके अंदर साक्षित्व आएगा, वो साक्षी बनेगा, साक्षी में रहेगा साक्षित्व, साक्षित्व भी अध्यस्त, जैसे धनम अस्यास्ति इति धनी, ऐसे साक्षी मतलब साक्षी जिसको आए वो साक्षी है, तो शब्द आया कि भाई साक्षी आया, साक्षी वो वही कह रहे हैं ना, साक्षी तो अध्यस्त साक्षी, नहीं धनम अस्य अस्ति धनी, साक्षी अस्ति साक्षी, साक्षी आया साक्षी में रहेगा साक्षित्व, साक्षित्व वृत्ति एक है, जैसे गो में गोत्व, गोत्व जाति एक ही है, गोत्व जाति एक है, किंतु वो जो साक्षित्व जाति का जो साक्षी कौन है, साक्षित्व करने से नित्य हो जाएगी, साक्षी तो नित्य कहाँ होगा, वो तो नित्य है, वो न रहने पर गोत्व तो रहता है, वो तो ठीक है, यहाँ साक्षी तो साक्षी तो नित्य होने पर अपना मतलब क्या है, साक्षी कर देंगे तो काम खत्म, तो एवं साक्षी नहीं कहा था ना, साक्षी 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 न हो साक्षी न, इसलिए साक्षी साक्षी नहीं सप्तमी दिया हो, प्रत्येक आत्मनी बोलता है, अध्यस्त। अब दूसरी बात जो है ना, हम लोग जितना भी डिस्कस कर रहे हैं वो अध्यास करके ही डिस्कस कर रहे हैं, ये याद रखना, तंच प्रत्येक आत्मानं सर्वसाक्षिणं तद विपर्येण अंतकरणादिषु अध्यस्यति, देखो फिर एक बार हो जाए, प्रत्येक आत्मनि अध्यस्य साक्षित्व को प्रत्येक आत्मा में अध्यस्य करके, तंच प्रत्येक आत्मानं सर्वसाक्षिणं, देखो यहाँ थोड़ा सुन लीजिए, जीव कहते हैं अधिष्ठान चेतन अंतकरण, अंतकरण में प्रतिभासित चेतन, तीन मिला के
अधिष्ठान चेतन अंतकरण, अंतकरण में प्रतिभाषित चेतन को जीव कहते हैं। ये क्या, ये अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव, उसको फिर वो सर्वसाक्षी में अध्यास कर रहा है, वही कह रहा है वो। इसे थोड़ा ख्याल रखना, प्रत्येगात्मन अध्यस्य तम च प्रत्येगात्मान सर्वसाक्षी तद विपर्येण अंतकरणादिशु अध्यस्यति। सर्वसाक्षी ब्रह्मा में भी अध्यस कर रहा है, अंतकरण में भी अध्यास कर रहा है। एवं अयम अनादि अनंतो नैसर्गिको अध्यास। इस प्रकार जो है, अभी तो हम ब्रह्मास्मि तो नहीं बोल रहे, ये साक्षी को लेके आत्मा में रख दिया, आत्मा ही ब्रह्म है, उसमें क्या लाया, वो साक्षित्व तो लाएगा। इस प्रकार ये जो अध्यास है अनादि है, अनंत है, स्वाभाविक अध्यास है, मिथ्या ज्ञान है, कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक है, सर्वलोक प्रत्यक्ष है, स्वाभाविक है, सभी अनुभव करते हैं। ये अनादि, जब सृष्टि हुआ केवल हम लोग कल्पना करते हैं, कब सृष्टि होता है भाई, एक युग के बाद एक युग, नैसर्गिक कल्प के बाद एक कल्प, किंतु उस कल्प का पीछे अनेक कल्प है, किंतु ये जीव कब शुरू हुआ किसी को पता नहीं, तब से भटक रहा है, इसलिए अनादि है। अब कम से कम जान के इसे बाहर आ जाना चाहिए। अब कितना जन्म कोट इसे थेरेपी कहते हैं ना, कर्म का बंधन छूटता नहीं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, जो ज्ञान हुआ जितना भी कर्म हो सब नष्ट हो जाएगा। किंतु ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि बस सद्गुरु देव जी ने, इसीलिए ज्ञान मतलब क्या है भाई, ये सब अज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, वही ब्रह्म है, वो इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मन में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प वासना तृष्णा इच्छा कुछ नहीं रखना। जब मन खाली कर दे तो हो गया काम, सारा साधना किसके लिए है, मन खाली कर दे। मैं इसलिए प्रवचनों में कहता हूँ, दुनिया में किसी कोने के आदमी हो, संपूर्ण आनंद यदि वो अनुभव करना चाहता है, मन उसको शुद्ध करके खाली करना ही पड़ेगा। जी वो किसी ने कहा कि वृत्ति निरोध, मन के आगे समुद्र की लहर भी कम पड़ जाता है, जितना मन में लहर उठता है, संतों का अनुभव है, समुद्र लहर थोड़ी या मन लहर बहता है, इतना लहर उठते कि उसका अंत नहीं होते। अरे आप खुद अनुभव कर देखो, जिसका लहर नहीं होगा तो किसान सर्वलोक प्रत्यक्ष। अच्छे अनर्थ, ये सेंटेंस चाला इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस जो है ये पूरा अध्यास भाष का सारांश है। अच्छे अनर्थ है तो प्रहाण, कौन अज्ञान, अनर्थ है तो क्या है, अज्ञान, इसको हटाने के लिए आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्ति, आत्मा ब्रह्म एक ही है, इसको निश्चय करने के लिए सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। भाई तो अध्यास तो बोल दिया, फिर ये सब इतना लंबा चौड़ा क्यों बोल रहे हो, ये अज्ञान को मिटाने के लिए। सभी वेदांत से क्या लेंगे, सभी वेदांत सूत्र नहीं, नहीं नहीं नहीं, सभी उपनिषद, सभी ब्रह्म सूत्र, सभी वेदांत, सभी उपनिषद, वो उपनिषदों का वाक्य को लेके तो ब्रह्म सूत्र में आप विचार कर रहे हो, इसीलिए यथा अयम अर्थ सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम अस्याम शारीरिक मीमांसायां प्रदर्शिष्याम। सभी वेदांत मतलब मुख्य मुख्य वेदांत वाक्यों का, वयम अस्याम शारीरिक मीमांसायां, ये शरीरे भव शारीर जीव है ना, कोई ब्रह्म का तो इसका मतलब शरीर में रहने वाला चैतन्य संबंधी विचार, मीमांसा प्रदर्शिष्यमः। चैतन्य विषय का जो विचार है उसको हम दिखाएंगे, है ना। अब आया जिज्ञासाधिकरणम्, वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य व्याचिक्यासि तस्य इदम् आदिमं सूत्रम्।
जो व्याख्यान करना चाहते संत व्याख्या व्याख्या का जो विषय विषय का विषय है वह ग्राम देने वाले पूरा करके ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।